32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ आज प्रातः जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कार्यालय में किया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री एन.एन. शाह ने बताया कि परिवहन मुख्यालय जयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पूरे देश में 11 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। देश में सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सघन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 जनवरी यानी कि आज 11 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक जिले भर में जिला प्रशासन, जिला पुलिस तथा जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन जिला परिवहन कार्यालय में समारोह किया गया, साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश सामरिया तथा जिला परिवहन अधिकारी श्री एन.एन. शाह ने फीता काट कर किया। कई बार पहले ये होता था कि सड़क पे किसी की दुर्घटना हो गई, वो व्यक्ति पड़ा है, घायल अवस्था में पड़ा है, तो राहगीर या आने जाने वाला बिल्कुल वो संकोचित होता था कि साहब मैं इसको अगर हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो हो सकता है कोर्ट कचहरी में मेरे को भी या पार्टी बनाएंगे, मुझे भी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, पुलिस मेरे पे भी केस दर्ज कर लेगी। लेकिन अब वो नहीं है। राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा एक प्रयास किया है कि जो अच्छा मददगार है, जिसको गुड सेमेटिन कहते हैं, अच्छा मददगार है, उनको भी प्रोत्साहन मिले और उनको राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर पुरस्कार और उनको प्रोत्साहन भी मिले और कुछ आर्थिक सहायता, जिसमें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी है। ये हमारी ड्यूटी है कि अगर सड़क पे कोई व्यक्ति इस प्रकार का दुर्घटना हुई है और हम अगर उससे पास से निकल रहे हैं और उसको बिना देखे या बिना मदद किए तो ये मानवता के खिलाफ ही है। सबसे पहले हम उस व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलानी चाहिए या फिर वहाँ जो भी वाहन उपलब्ध है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के पश्चात जो 1 घंटा होता है वो बहुत ही गोल्डन आवर होता है, ठीक है। उस समय में अगर उसकी समुचित मदद हो जाती है। नागरिकगण, आप सभी का आज की इस प्रदर्शनी में स्वागत है। जैसा कि आपने प्रदर्शनी में देखा और आज का जो ये आयोजन है वो इसी बात को दर्शाता है कि हमको जो सड़क पर चलने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और विशेष रूप से जब अपन वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ें, हेलमेट का उपयोग करना, मोबाइल पर बातें नहीं करना, सड़क के जो भी नियम है, सड़क पर चलने के जो भी नियम है, वाहन चलाने से संबंधित जो भी नियम है उन नियमों की शत प्रतिशत पालना करना और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन को जो अनमोल जीवन है अपना, और अगर अपन जीवन को अपनी लापरवाही में अपन गंवा देते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जीवन गंवाता है वो चला जाता है, लेकिन पीछे जो उनके परिवार से तो बहस कर सकते हो, कैमरा से नहीं कर सकते। बरूबर है ना, बढ़िया अच्छी चलता है।